हेलो चिल्ड्रेन वेलकम बैक टू एक्स्ट्रा क्लास विद आर्यन मंडल चिल्ड्रेन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर लेसन नंबर नॉट लेसन इट इज टेस्ट थ्री ऑफ योर क्लास ऑफ क्लास सेवेंथ फ्रॉम योर बुक कॉलिंग इज ग्रामर एंड कंपोजिशंस हॉफ यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एक्चुअली आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कमेंट्स रिगार्डिंग दिस चाप्टर दिस टेस्ट कि सर प्लीज़ अपलोड टेस्ट थ्री चाप्टर्स इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी सो आपकी रिक्वेस्ट पर टेस्ट थर्ड की पार्ट टू वीडियो अपलोड हो रही है आशा करता कर आपको वीडियो अच्छी लगेगी और कोई डाउट या इस तरह का कोई कन्फ्यूजन से तब आप मैंसन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा एलेबरेट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मैंसन कर सकते हैं इसमें आपको बताऊंगा मैं ई e, एफ और एच पार्ट जो बची हुई एक्सरसाइजेस है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे साथ ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करेंगे ठीक है सो बने रहिए मेरे साथ साथ ही आप बताएं कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए सो so, ई पार्ट शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्म दी सिंपल सेंटेंसेस इनटू टू कम्प्लेक्स एंटेस सेंटेंस के हम लोगों ने टाइप पढ़ा है सेंटेंस कैन बी बेस्ट ऑन थ्री टाइप्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म सिंपल टू कम्प्लेक्स में इसको चेंज करेंगे माई बॉस इज काइंड एंड पैसेंट पैसेंस एवरी लाइक हर इसको कंप्लेक्स में चेंज करेंगे क्या करेंगे माई सीन्स माई बॉस इज काइंड एंड पैसेंस S I N C, since my boss B O -S, S S, boss is kind and K I and kind and patience Passions, which is spelling hai. P A T I E N C, passions. Everyone like her. E V E R Y O N E. Everyone like her. Like. क्लियर है ये आपका फर्स्ट का सेकंड ही वर्क डे एंड नाइट वी कुड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम सो हम लोग दिन रात काम कर रहे लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रही ऑल दो वी वर्क डे एंड नाइट ऑल दो ए एल टी एच ओ यू जी एच ऑल दो वी वर्क वर्कड डे एंड नाइट डे

मैं दोबारा आपको एक आंसर बता देता हूँ इसी का ऑल दो वी वॉक डे एंड नाइट वी कुड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम नंबर थर्ड यू मे लीव नाउ यू हैव टू कम बैक आफ्टर लंच सो यू मे लीव नाउ बट यू हैव टू कम बैक आफ्टर लंच यू मे लीव नाउ फुल स्टॉप जहाँ पर है आपको क्या लिखना बट यू हैव टू कम बैक आफ्टर लंच बाकी सेंटेंस जो है सेम रहेगा नंबर फोर देख लेते हैं आवर ट्रेन टिकट डिड नॉट गेट कन्फर्म विड बाय बस सेंस आवर ट्रेन टिकट डिड नॉट कन्फर्म सीन्स लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले बिगनिंग में एस आई एन सी ई सीस आवर ट्रेन टिकट डिड नॉट गेट कन्फर्म डिड नॉट गेट कन्फर्म विड बाई बस वी कोमा लगाएंगे यहाँ पर वी ट्रेवल्ड बाय बस नंबर फाइव जो है द जज फाउंड दूज गिल्टी ही

दोबारा मैं आपको लिख ही देता हूँ द जे यू डी जी ई जज सेंटेंस एस ई एन टी ई एन सी ई डी सेंटेंस्ड द एक्ूज द एक्सड ए डबल सी यू एस ई डी एक्ज टू प्रीजन टू प्रीजन पी आर आई एस ओ एन रीज़न क्यों बिकॉज ही फाउंड हिम गल्टी बी ई सी ए यू एस बिकॉज ही फाउंड ए फो यू एंड फाउंड हीम गल्टी जी यू आई एल टी वाई जी यू आई एल टी वाई गल्टी क्लियर है आगे देखते हैं सिक्स नंबर सी वॉज ट्रेवल टू ऑल सेवन कंटिनेंट आई डिड नाट नो दैट तो ऑल दो आई हैव नॉन फॉर मैनी ईयर्स ठीक है सेंटेज थोड़ा इस तरह का होगा ऑल दो एल टी एच ओ यू जी एच ऑल दो आई हैव नॉन हर ठीक है आई हैव नॉन हर के एन ओ डब्ल्यू एन नॉन हर एच ई आर हर क्लियर है फॉर मैनी ईयर्स For many years, Y-E-A-R-S, years, I did not know, I did not know, K-N-O-W, no, I did not know that C has trouble to all, that C... ज ट्रवल टी आर ए वी ई डबल एल ई डी ट्रवल्ड टू ऑल सेवन कंटीनेट्स टू ऑल ए डबल एल ऑल सेवन एस ई वी ई एन सेवन कंटीनेंट की जो स्पेलिंग में यहाँ पर लिख देता हूँ सी ओ एन टी आई एन ई एन टी कंटीनेंट क्लियर है फुल स्टॉप नेक्स्ट नंबर सेवन इट ट्रेंड है इट रेंड है द होल मॉर्निंग The Match got cancelled. As it rained heavily the whole morning. As it rained. R A I N E D. Rained uh, heavily. H E A V I L Y. Happily. The whole morning. The whole W H O L E. Whole morning. Whole. मॉर्निंग द मैच गॉट कैंसल द मैच एम ए टी सी एच मैच गॉट कैंसल्ड सी ए एन सी ई डबल एल ई डी कैंसल्ड क्लियर है नंबर एट माई मदर इज़ वेरी ओल्ड सी इंसिसट ऑन डूइंग थिंग्स हर सेल्फ सो इसका जो एंसर होगा इस तरह से होगा गाइज uh, Uh, it is very difficult sometimes to solve all the answers all the exercises time because it require lot of time lot of exercises to uh, to solve right to make uh, to making any kind of any error without any error so please do like share and subscribe the channel if you want more explanations you can also mention in comment section राइट वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है साथ ही साथ इसको सॉल्व करने में सो so प्लीज़ आपका सपोर्ट और हेल्प बनाए रखें एट नंबर डिस्कस करेंगे माय मदर इज़ वेरी ओल्ड सी इंसिस्ट ऑन डूइंग थिंग्स हर सेल्फ क्या ऑल दो माई मदर इज़ वेरी ओल्ड l-t-h-o-u-g-h although my mother m-o-t-h-e-r mother is very old is very very old she insists on she insists i-n-s-i-s-t I -N -S -I -S -T, insist on doing things herself on doing d o i and doing things t h i n g s things herself h e r s e l f h e r s e l f herself किलरे ए पार्ट कंपलीट हो जाती है यहाँ पर ये पार्ट शुरू करेंगे फ्राम द पेयर्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस फर्स्ट में एक अ कंपाउंड सेंटेंस देन अ कम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें आपको दो दो सेंटेंस बनानी है सिंपल सेंटेंस है पहले तो आपको कंपाउंड सेंटेंस बनानी है उसके बाद कम्प्लेक्स सेंटेंस भी फॉर्म करने में कुछ एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करूँगा कम्प्लीट करने के लिए आपको एक्सप्ल करूँगा ठीक है बाकी जो भी एक्सरसाइजेस हैं आपको ज़्यादा वीडियो की ज़रूरत है इस टाइप के पार्ट और नेक्स्ट पार्ट के लिए तब तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको uh, जैसे दिस प्लेस इज़ टू स्मॉल वी कांट होल्ड द मीटिंग हियर ये बहुत ही छोटा सा इस प्लेस है इसको कंपाउंड में कैसे चेंज करेंगे एक बार देख लेते हैं आपको कंजेक्शन का यूज़ करना है दिस प्लेस इज़ टू स्मॉल सो यहाँ पर क्या लिखेंगे सो वी यू कैनोट होल्ड द मीटिंग हियर और वी कैनॉट होल्ड द मीटिंग हेयर सिंपल है इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे कॉम्प्लेक्स एंटेंस बनाएंगे दिस प्लेस इज़ सो स्मॉल दिस प्लेस इज़ दिस ए आपका कॉम्प्लेक्स एंटेंस याद रखिएगा दिस प्लेस पी एल ए सी प्लेस इज़ सो स्मॉल एस एम ए डबल स्मॉल सो यू कैनॉट होल्ड द मीटिंग हेयर सो यू

एक आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है जैसे मैंने आपको बताया दिस प्लेस इज़ वेरी स्मॉल सो यू कैन नॉट होल्ड द मीटिंग हियर ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है एंड दिस प्लेस इज़ सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट होल्ड द मीटिंग ये आपका कंप्लेक्स सेंटेंस है इसके बाद हम लोग सेकेंड बनाएंगे मेरी वॉज हरी सी एट द केक ऑल बाई हर सेल्फ सो मेरी वॉज हरी सो सी एट द केक ऑल बाई हर सेल्फ ठीक है इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कंप्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे मेरी वॉज सो हंगरी सॉरी एम ए आर वाई मेरी वॉज ये कंप्लेक्स सेंटेंस है सो हंगरी एच यू एन जी ई आर वाई हंगरी सो ही एट द केक ऑल बाई हर सेल्फ सो द सी ए केक सो सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है कम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं ठीक है कैसे करें मेरी वॉज सो हंगरी एम ए आर वाई मेरी वॉज सो हंगरी एच यू एन जी ई आर वाई हंगरी ठीक है सो सी एट द केक ऑल बाय हर सेल्फ सो सी एट द केक सी ए केक ऑल बाय हर सेल्फ सो सी एट द केक ऑल बाय हर सेल्फ ऑल बाय हर सेल्फ एच ई आर एस ई एल एफ हर सेल्फ क्लियर है आगे देखते हैं वी वेंट टू वॉच ए मूवी वी मेट आवर ओल्ड फ्रेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ठीक है अब मेंशन करिएगा अगर आपको थर्ड फोर फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन के सोल्यूशंस चाहिए टेन के सल्यूशन्स चाहिए मैं आपको इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूँगा एच पार्ट क्या है एच पार्ट देख लेते हैं एच पार्ट बहुत ही सिंपल है शायद आप खुद भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे रिलाइड द फ्लो द पैसेज यूजिंग द करेक्ट पंचुएशन मार्क करेक्ट पंचुएशन मार्क्स के साथ इसको हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे इसमें पंचुएसन मार्क्स फिलअप का कहाँ फुल स्टॉप है कहाँ कैपिटल लेटर है कहाँ कोमा है और या फिर कहाँ क्वेश्चन मार्क है एक्सप्लेटरी मार्क्स है इसको देखना है सो इसको हम लोग करेंगे अभी लेकिन एब पार्ट के जो भी क्वेश्चन बचे हैं लगभग सात आठ क्वेश्चन बचे हैं इसके अगर आपको सल्यूशन्स चाहिए तो मैं आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूँगा इसके लिए एक्सप्लेशन के साथ ठीक है आपकी रिक्वेस्ट पर सो एच पार्ट देख लेता हूँ मैं क्या है रेनू हैव यू सीन माय ईयर रिंग आक्स्ट मदर एनेक्सियसली सो नो मम्मी आई हैवेंट रिप्लाइड रेनू आई हैड किफ्ट आई हैड किफ्टैम ऑन द बिसाइड टेबल लास्ट नाइट बट आई कॉन्ट फाइंड दैम डोंट वरी आई लुक फॉर देम डू यू रिमेंबर सिंग दैम इस तरह से इसको जो है रेनू रेनू के बाद कौम आएगा हैव यू सीन माई ईयर रिंग्स हैव यू सीन माई ईयर रिंग्स ईयर रिंग्स यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा आस्ट मदर एन एक्सीएस यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा नो मम्मी नो जो है आपका फुल स्टॉप के बाद कैपिटल हो जाती है नो एंड नो मम्मी आई हैवेंट रिप्लाइड नो मम्मी आई के बाद क्या लगेगा आई से मम्मी के बाद कॉमा लगेगा आई हैवेंट रिप्लाइड रेनु haven't के बाद कोमा लगेगा रिप्लाइड rain, rain जो है कैपिटल आएगा आर ठीक है इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप आएगी रेनू के बाद आई हैड them आई हैड kept देम ऑन द बिसाइड टेबल लास्ट नाइट बट आई कांट फाउंड them, the them. यहाँ पर आपका can't फाउंड them क्या आएगा कोमा इन्वर्टेड कोमा आएगा बट आई can't फाउंड them और यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा इसके बाद देखते हैं डोंट वरी डोंट डी कैपिटल आ जाएगा डोंट वरी डोंट आपका यहाँ पे कोमा भी आएगा डोंट वरी कोमा आएगी आई विल आई जो है आई ऐसा है और आई विल ऐसे इस तरह का कोमा आएगा आई विल लुक फॉर देम फुल स्टॉप आएगा इसके बाद डू यू रिमेंबर सींग दैम इन मॉर्निंग डू आपका आ जाएगा कैपिटल डू यू रिमेंबर सींग दैम इन मॉर्निंग ठीक है no, यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क आई डोंट नो नो यहाँ पर एन कैपिटल आ जाएगा नो आई डोंट फुल स्टॉप आएगा डी कैपिटल आ जाएगा डू यू थिंक दे आर लॉस्ट दे आर लॉस्ट क्वेश्चन मार्क आएगा लेट ठीक है लॉस्ट लेट सर्च प्रॉपरली फर्स्ट लेट्स सर्च प्रॉपरली फर्स्ट यहाँ पर आपका इन्वर्टेड कोमा आएगा और फुल स्टॉप भी आएगी इसके बाद दोबारा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होगी हेयर के साथ एच कैपिटल आ जाएगी ठीक है हेयर दे आर अंडर द पाइल आर अंडर द पाइल ऑफ स्टेयर इन द वॉफ और स्टेयर इन द ऑफ यहाँ पर आएगा आपका सॉरी एक्सप्लेनेटरी मार्क्स के साथ थैंक यू गॉड थैंक टी आएगा थैंक गॉड दे हैव बीन फाउंड ब्लेस यू रेनो ठीक है और यहाँ पर क्या आ जाएगा कैपिटल हो जाएगा और यहाँ पर आपका इन्वर्टेड कोमा भी आएगा सॉरी हाँ ठीक है क्लोज So hope you understood the chapter well. This is complete the lesson, chapter third, test three of class seven. If you want another chapter or another lessons from your book, please mention in the comment sections. I will upload that particular chapter according to you. Till then be happy. See you again in next class with new lesson. Thank you.